हेलो दोस्तों, जब भी मार्केट गिरना स्टार्ट होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा दोस्तों, कौन से प्राइस पे और कौन से जगह पे आपको खरीदना चाहिए जिससे आपको बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। अगर मान लीजिए स्टॉक ऐसे बाउंस बैक ले रहा है तो आपको ये प्राइस कैसे पकड़ में आए दोस्तों, ये आपको बॉटम पकड़ना है, तब जाके आपको यहाँ से यहाँ तक के लेवल समझ में आएगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बताता हूं, तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए, ये स्टॉक है, ठीक है। ये स्टॉक दोस्तों यहां तक गया था 100 रुपीज़ के आसपास, और यहां हाईएस्ट कहां तक मारा दोस्तों, 1300 के आसपास। सपोज मानिए आपका पैसा कितना हो गया दोस्तों, 1300, मतलब कि दोस्तों 13 प्लस हो गया, ठीक है, मतलब 13 गुना हो गया आपका पैसा, सोच लीजिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इस बॉटम पर खरीदना है, इस बॉटम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही चीज़ दोस्तों मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये मैं खुद से कुछ भी प्लस करके नहीं बताऊंगा, ये जो यहां बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बुक का नॉलेज देने जा रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बुक है, ठीक है, वॉरेन बफेट का ज़्यादा ज़्यादा बुक है यहां पर भी। लेकिन मैंने थंबनेल में एक चीज़ लिखा है दोस्तों, एक वहां पर लिखा गया है कि आप केवल 5000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए 5000 में अगर मान लीजिए एक बुक का दाम है, ठीक है, एक बुक का अगर दाम है मान लीजिए 300 रुपीज़, चलिए मान लेते हैं 300 रुपीज़ भी हम खर्च करने के लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों आजकल मोबाइल में एप्लीकेशन बहुत, मतलब इतने टाइप के एप्लीकेशन आते हैं, उसमें आप अच्छे से अच्छे बुक डाउनलोड कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपने कम से कम मैक्सिमम आप 50 MB, ठीक है, MB मतलब कि दोस्तों इंटरनेट की हम बात करें, ठीक है, अगर 50 MB भी अगर आप जो है खर्च करते हैं तो दोस्तों आप एक बुक डाउनलोड कर सकते हैं, आप पूरा बुक आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप जितना ज़्यादा बुक पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूँ बुक में जितना नॉलेज है पूरा शेयर मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, हम आज कौन से बुक के बारे में बात करेंगे, तो ये है दोस्तों, बुक का नाम है, ठीक है, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ भी ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, चलिए बुक को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। बुक ओपन करने से पहले, ठीक है, चलिए यहाँ चार्ट है, इस चार्ट पे यहाँ पर बताया गया है, इस चार्ट में यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो चार्ट है दोस्तों, हमें इस पॉइंट पे बाय करना चाहिए था, इस पॉइंट पे यहाँ पर देखिए छोटा सा बाय करके लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो दूसरा चार्ट है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए इतना लंबा चार्ट है, जैसे मैंने आपको जो रियल चार्ट में दिखाया 100 रुपीज़ का था इस प्राइस पे, और आपको यहाँ 1300 तक हो गया था, सोचिए आपका पैसा कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी बताया कि ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बाय पॉइंट है, ठीक है, और बताया जा रहा है यहाँ पर खरीदने के लिए, और आपको यहाँ पर क्या करना था, बेचना था। तो मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ, सब ब्लर रहेगा, लेकिन प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर रहेगा, क्लियर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो पहला जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था दोस्तों, यही था, एक मिनट, हाँ यही था। यहाँ पर देखिए जो छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ दोस्तों बाय पॉइंट, मतलब हमें इस प्राइस पर खरीदना था। और ये देखिए स्टॉक का थोड़ा क्या था, अपर मूवमेंट तक गया था, ये पहला था, ठीक है। और दूसरा स्टॉक का अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बाय पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्राइस पर हमें बाय करना चाहिए था, और देखिए स्टॉक का ग्रोथ कितना ज़्यादा हुआ। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया और प्रैक्टिकली भी दिखाया, मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, इस चार्ट को मैंने आपको दिखाया कि यहाँ इस प्राइस पे आपको खरीदना था, ठीक है, कौन से प्राइस पे, इस प्राइस पे अगर आप खरीदते तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो आज मैं आपको थ्योरी दोस्तों जो यहाँ पर नॉलेज है वो भी बता देता हूँ। ओपन कर लिया है दोस्तों, ठीक है, बुक का थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, एक मिनट, लिखा गया है कि फॉर डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, फॉलोइंग सिस्टम अप्लाई करना है, ये सिस्टम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम को आपको बताता हूँ, जो पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए है बिंग, देख सकते हैं बिंग ऑफ बेस, मतलब कि दोस्तों जो पॉइंट ए है वो इसका बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है पहला, ठीक है। और जो इसका पॉइंट बी है दोस्तों, ये, ठीक है, ये जो बी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ये बॉटम ऑफ द लेग है, ठीक है। अब ये ए बी क्या बताया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं आपको आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो अब हम आ गए हैं दोस्तों प्रैक्टिकली, अब आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए ए लिखा हुआ है, ए का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और बी, बी का मतलब दोस्तों ये लेग है, फर्स्ट है, हमारा जो एक लेग होता है उसी तरह से ये भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और बी के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको अपर मूवमेंट में यहाँ सी बताया जा रहा है, और नीचे डी है, ठीक है। तो ये जो सी है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सी बताया जा रहा है, ये देखिए बाय पॉइंट को इंडिकेट करता है, मैंने आपको बोला, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ।
आ चुके हैं दोस्तों, हमने ए कंप्लीट कर लिया था, बी कंप्लीट कर लिया था, अब हम आ जाते हैं सी पे। ठीक है, सी में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, मिडिल ऑफ द डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, मिडिल ऑफ द डब्ल्यू दैट सेट द बाय पॉइंट, मतलब कि दोस्तों जो सी पॉइंट है वो एक डब्ल्यू को जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद सी पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है ठीक है यहाँ पर, और ये दोस्तों एक बाय पॉइंट इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी देख लीजिए लिखा हुआ है बाय पॉइंट, मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया और यहाँ पर भी दिखाया ठीक है दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं कहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये रहा दोस्तों सी पॉइंट, ठीक है ये था मैंने आपको बताया ना सी पॉइंट। ठीक है, अब ये सी पॉइंट क्या करता है दोस्तों, यहाँ से एक डब्ल्यू को जनरेट करता है, डब्ल्यू को जनरेट करने के बाद ये मिडिल वाला लेग से जो यहाँ पर पॉइंट बनाता है, यहाँ पर दोस्तों इसको हम बाय करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी दोस्तों वो बुक था, इसलिए आपको पूरा चार्ट क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आप जो है चार्ट को आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने चार्ट लगा दिया दोस्तों, ये देखिए यहाँ से ऐसे करके आता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है, ये जो ए का पहला लेग आया ये बी था, ठीक है बेस था, और यहाँ से जब बी से सी बनाता है तो इस पॉइंट से यहाँ पर जो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमें खरीदारी करना चाहिए, या आप यहाँ पर जब दोस्तों डब्ल्यू का ये डी बना देगा तो आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हो। और यहां पर देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है, ये एक मिनट यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट बॉटम, यहाँ पर फर्स्ट बॉटम चार्ट ने बनाया है, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सेकेंड बॉटम चार्ट ने बनाया है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, आपको ब्रेकआउट भी बता रहा है, जो पहला पॉइंट था ये, ठीक है इस पॉइंट पर अगर यहाँ से टच कर देता है दोस्तों तो ये हो जाता है ब्रेकआउट, मतलब कि ये जो यहाँ से लेबल है दोस्तों, इसको अगर टच कर देगा, ये जो लेबल है यहाँ से, ये पॉइंट अगर इसको टच करके ऊपर जाता है दोस्तों, ये ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो स्टॉक में कितना अच्छा आपको जो है तेजी देखने को मिलता है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, उल्टा, अपोजिट, अपोजिट का मतलब समझ गए होंगे, उल्टा, अगर उल्टा डब्ल्यू बनाता है दोस्तों उल्टा, तो यहां पर आपको नुकसान देने वाली संभावना खड़ी हो जाती है। ये देख लीजिए, जब उल्टा बनाएगा तो दोस्तों स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब आपको लॉस देने वाला है। और मैं आपको अब रियल एग्जाम्पल दिखाता हूं कुछ, तो ये देखो दोस्तों, ये है अरविंदो फार्मा, तो आप सब जानते हैं अरविंदो फार्मा दोस्तों, ये है अरविंदो फार्मा का चार्ट। ठीक है, अब इसने क्या किया दोस्तों, इसने अपोजिट डब्ल्यू बनाया। ठीक है, अपोजिट का मतलब देख लो, पहले ये ए पॉइंट गया, फिर इसमें से बी निकला दोस्तों, ठीक है फिर यहाँ पर दो बनाया है, लेकिन दोस्तों वापस जाने के बाद इसमें देखिए हेवी गिरावट आया है। ठीक है, हेवी गिरावट, अब यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड के बाद देखिए थोड़ा सा ये लड़खड़ाया, लेकिन दोस्तों गया कहाँ, अपर सर्किट में, फिर यहाँ से देखिए अपोजिट वाला ये डब्ल्यू बनाया, और डब्ल्यू बनाने के बाद फिर ये नीचे आ गया। तो यहां पर थोड़ा आपको समझ में आ रहा है आई होप दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा। और एक दोस्तों मैंने कप एंड हैंडल चार्ट के ऊपर जो है वीडियो बनाया था, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, प्लीज लाइक तो जरूर कीजिएगा। एक बहुत मतलब एक पूरा बुक का हिस्ट्री निकालने के बाद एक छोटा सा फॉर्मूला पता चलता है, और ये है लास्ट चार्ट। ठीक है, ये चार्ट को देख के आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका फेवरेट चार्ट हो सकता है, येस बैंक। ठीक है दोस्तों, ये येस बैंक का चार्ट है। ठीक है, आप फोकस कीजिएगा, देखिए इसमें दो आया, इसका मतलब ये मत समझिए दो है, फाइनली देखिए अब यहाँ पर भी तो एक आया है, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे गया है, फिर यहाँ पर भी ऐसे गया, तो आप इसको छोटे छोटे चीज़ों को मत फोकस कीजिए। ठीक है, अब अगर इसको जितना जूम कीजिएगा ना, जितना जूम कीजिएगा ऐसे, एक मिनट देखिए, अगर ऐसे आप जूम कीजिएगा ना, तो आपको छोटे 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 में दिखाई देंगे, मान लीजिए हम 5 डेज का भी अगर चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, एक बड़ा सा कैंडल आपके सामने जनरेट होना चाहिए। ये स्टॉक है येस बैंक का, आप जैसे यहाँ देख सकते हो, इसने दोस्तों एक क्या किया दोस्तों, एक उल्टा अपोजिट डब्ल्यू बना दिया, और बनाने के बाद दोस्तों स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ। ठीक है, और ये स्टॉक देख सकते हो कहाँ तक चला गया था, अराउंड मतलब 5 या 6 रुपीज़ तक चला गया था। तो ये क्या था दोस्तों, ये अपोजिट था, ये अपोजिट था। ठीक है, अपोजिट जाने से क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर यही दोस्तों, अगर ये स्टॉक ऐसे जाके बनाया होता, एक मिनट, अगर दोस्तों ये स्टॉक अगर ऐसे बनाया होता डब्ल्यू, तो ये आपको आज के डेट में प्रॉफिट में दिखता। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने लाया है एक जेके सीमेंट का चार्ट, बहुत मेहनत करने के बाद मिला है दोस्तों जेके सीमेंट। ठीक है, अब इसने देख लीजिए एक डब्ल्यू का चार्ट बनाया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही मैंने क्या बोला था दोस्तों, ये डब्ल्यू कंप्लीट करेगा आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये बुक के अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से नहीं है, जो बुक में नॉलेज दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू बनाने के बाद दोस्तों, इसका प्राइस कहाँ था दोस्तों, ये जो सेकेंड बॉटम आया था
ये 200 के आसपास है, और आज के डेट में दोस्तों ये स्टॉक लगभग 1000 को भी क्रॉस कर दिया है, ठीक है, 1000 को भी क्रॉस कर दिया है दोस्तों, ठीक है। अब ये डब्ल्यू कैसे भी बना सकता है, थोड़ा ऐसे बना सकता है, ये कभी ऐसे भी बना सकता है, ऐसे करके ऐसे भी बना सकता है, ये भी याद रखिएगा, मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए प्रूफ के तौर पे, ये देख लीजिए बुक में बताया जा रहा है, ये डब्ल्यू हो सकता है ऊपर से नीचे की ओर बताया जा रहा है, देखिए एक मिनट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डब्ल्यू थोड़ा डाउन साइड में बनाया गया है, ठीक है, थोड़ा डाउन साइड में, और ये जो डब्ल्यू है थोड़ा मिडिल साइड में बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों डब्ल्यू किसी भी तरह से बना सकता है, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है, बुक को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डब्ल्यू बनाया है, छोटा सा, लेकिन ये क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और आप बोलेंगे कि बीच में भी बना सकता है, नहीं देखिए कहीं भी ग्राफ के बीच में नहीं बनाया गया है, कहीं भी ग्राफ के इस ग्राफ के बीच में देख लीजिए दोस्तों नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए बड़े स्टॉक से। तो अगर आपको ये वीडियो लगा इंफॉर्मेशनल है, अगर आप ये बुक भी पढ़ना चाहते हो, देखिए ये पूरा बुक है, ठीक है, तो ये मैंने खुद से कुछ भी नहीं बताया है, ये जो भी है दोस्तों बुक का नॉलेज है, ये भी देख लीजिए यहां पर, ठीक है। तो अगर आप ये बुक देखना चाहते हो तो ये बुक का नाम है, ठीक है, आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने पेज नंबर भी बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हो इसी तरह से और भी वीडियो बनाते रहें, तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो मिस नहीं हो पाएगा।